हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे कटर की ढाल बनाने के बारे में। कटर की ढाल किस प्रकार बनती है, उसमें कितने एमएम की प्लाई लगती है और उसमें कितने साइज पे झेल देनी पड़ती है आगे पीछे सरकार ने लिए, और कितने कितने इंच के आप जितने भी आप इंच की प्लाई पट्टी चीरना चाहते हैं सब चीर जाएगी। आइए आज मैं आपको उसके बारे में उसके कार्यविधि बनाकर दिखाऊंगा, आइए देख लीजिए। सबसे पहले आप 12 एम या 10 एम की प्लाई लेंगे जिसका साइज 10 इंची और लंबाई 12 इंच होनी चाहिए। आइए मैं पहले साइज तैयार कर लेता हूँ। देखना मैंने साइज तैयार कर लिया है 12 इंची और 10 इंची का। अब मैं सबसे पहले इसमें कटर से जीरे डालूंगा, उसके बाद हम कटर के जो प्लेट में सुराख हुए होते हैं उसका निशान लगाएंगे, उसके बाद जीरे देंगे। आइए देख लीजिए। देखना हमारी कटर की प्लेट थोड़ा छोटी है, हम इसको वापसी हटाएंगे और मैं इसी पे लगाकर आपको इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा। देखना मैंने कटर की छोटी प्लेट खोल दी है, अब मैं जो इसमें पहले हुए सुराख हुए इनके द्वारा निशान लगाऊंगा और फिर सेटिंग करूंगा उसके ऊपर। देखना हम इस साइड 1 इंची की धक्के से लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा काबला होगा 2 सूट का उसके हिसाब से जीरे का निशान लगेगा। सबसे पहले इस सिरे पे और इस सिरे पे यानी कि दोनों तरफ 3 सूत का सुराख करेंगे। देखना मैंने कटर का फट्टा तैयार कर लिया है इस प्रकार, और मैं आपको थोड़ा चलाकर दिखा दूँ। इस फट्टे से आप लगभग 8 इंच तक का अपना साइज चीर सकते हैं। देखना है मैंने कटर की पट्टी ली है, ये कटर के जो फट्टा लगा हुआ है उससे लगभग दोनों साइड 1-1 इंची फालतू होनी चाहिए। देख लीजिए 1 इंची फालतू लिया दोनों तरफ और हम उसके निशान लगाएंगे इस प्रकार। इससे निशान लगा रहा हूँ 20 सेंटर में करके, और इसके बाद हम इसमें 6 mm का होल करेंगे। आइए हम इसमें फट्टे में ठल लगाते हैं, जो पट्टी बोलते हैं जिसको, हमें वार्सल भी लेना है इस प्रकार यहाँ से आप, और ये इस तरह से लीजिए।
देखना मैंने फट्टे पे ठल लगा दी है, अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है आप सबसे पहले देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा ढीला कर लेता हूँ पीछे सरकाने के लिए, ये मैंने पीछे हटा दिया और अब हम इसे ठल को यहाँ पे ले जाएंगे। ये हम सबसे पहले इस पे यहाँ निशान लगाएंगे इस प्रकार, ये आपका बिल्कुल लेवल बन गया ब्लेड से मिलता हुआ। उसके बाद जितना आप साइज पे चीरना चाहेंगे पट्टी, ये आपका ब्लेड साइड रहेगा निशान इस प्रकार जो लगाया। देख मैंने निशान लगा दिया है, यहाँ पे एक इंची चिरेगी आपकी, यहाँ दो इंची, यहाँ तीन इंची, यहाँ चार इंची, पाँच इंच, छः इंच, सात इंच, आठ इंची, आप आठ इंच तक अपना साइज तैयार कर सकते हैं। मैं इसमें एक काम और करूँगा आपकी सुविधा के लिए, जैसा आप कभी अपना माल चिरेंगे सबसे पहले आप इस पर यहाँ एक इंची का निशान डालेंगे इस प्रकार का, यहाँ दो इंची हो गया आपका निशान ये, और यहाँ इधर हो गया तीन इंची, और ये चार इंची, और ये पाँच इंची हो गया, ये छः इंची हो गया आपका, ये सात इंची हो गया, ये आठ इंची हो गया। इस तरह से निशान आपको यहाँ पे लेना है। इससे क्या होगा, ये जो आपकी ठल है यहाँ पे इस प्रकार, आपको इस तरह से चेक करना है यहाँ पे इस तरीके से बस, और अपना फिर काम करना है। ये अपना कटर का ठल एक इंच पर रख लिया है और अब हम एक इंच के हिसाब से ही पट्टी चीरेंगे इसकी। अब हम सबसे पहले काबले खींचेंगे, इनको जाम करना है। देखना मेरे पास प्लास नहीं है और मैं जो जम्बूड़ होता है पिन निकालने वाला कील बोलते हैं जिसको, मैं इससे इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इसको थोड़ा टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद आपको ये भी चेक करना है आपके निशान से आगे पीछे तो नहीं है। ये हमारा थोड़ा सा निशान से आगे इस प्रकार, इस पर यहाँ पे चोट को मारेंगे, ये भी आपका ओके हो गया बिल्कुल। अब आप इसकी सही खिंचाई करेंगे इस तरीके से। देखना है मैंने कटर की ठल पट्टी तैयार कर ली है। अब मैं सबसे पहले इसमें आपको एक इंच का साइज चीर कर दिखाऊंगा, आइए देख लीजिए। एक इंची का साइज चीरा है, अब मैं आपको एक इंच भी, दो इंची, तीन इंची सारी चीर के दिखा सकता हूँ, मगर जब हमारा साइज इस
देखना मैंने कटर की सहायता से जो ठल बनाई हुई है उसमें मैंने एक इंच से लेकर पाँच इंच सही चिरेगा दिखाया, देख लीजिए। ये मैंने ये एक इंची की पट्टी चीरी, ये दो इंची की, ये तीन इंची, ये चार इंची, पाँच इंची, हो सकता था मैं आठ इंच तक आपको सही चीरी दिया, मैंने आपको पाँच इंच तक चीर कर दिखाया। कभी पट्टी चीरनी है, मैंने इसमें इस तरह से निशान दिखाए, एक इंची पट्टी चीरी है, यहाँ से ये जो निशान लगा हुआ है ये दो इंची की चीरी है और ये जो तीन इंची का निशान लगा हुआ है इस पर हमने यहाँ से तीन इंच तक चीरी है और ये जो चार इंच का निशान है आपको हमने यहाँ चार इंची चीरी है, जो पाँच इंच का निशान है हमने पाँच इंच तक पट्टी चीरी है। इसमें मैंने आठ इंच तक निशान दिया है, मैंने एक तरह से इसका इंची टेप भी बना दिया है, आपको बार बार इंची टेप से नापने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार इंची टेप लगाना पड़ेगा आपको, एक इंची, दो इंची, तीन इंची, चार इंची, इस तरीके से आपको ये आठ इंच तक, इसकी जो फट्टे की हमारा नीचे फट्टा लगवा है कटर के नीचे, इसकी चौड़ाई है लगभग 10 इंच है, 10 इंच में, और जो इसकी यहाँ से लंबाई है ये 12 इंच है, और जो हमने ये कटर की ठल की पट्टी ली है इसमें इसकी जो लंबाई है ये 14 इंच की है, जिससे कि ये एक इंच इससे बाहर निकलेगा आपका, एक इंच यहाँ बाहर निकलेगा। इसमें क्या होता है, आप जैसे कभी चीरेंगे, आप अगर सामने से यहाँ से बैठेंगे आपको यहाँ से ये निशान दिखाई देगा इसकी सीध में, अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ से छोटी कर देते हैं सर काट के तो आपको दूर से ये ना नज़र आता, इसलिए मैं आपको दूर से एक कम से कम 1.5 फुट की दूरी से देख रहा हूँ, बिल्कुल सही निशान चमक रहा है जी, आपको इसी प्रकार काम करना है। देखना साथियों, मैंने कटर से ढल पट्टी बनाकर आपको सारे साइड दिखाए, थोड़ा सा गर्मी का मौसम पसंद है उसको ज़्यादा आ गया, चलो फिर कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे कितनी मेहनत लगी वीडियो बनाने के लिए। मैंने एक इंच से लेकर पाँच तक आपको साइड बनाकर दिखाया, आपको इसी तरह से बनाना है, और आपको जो कटर का फट्टा होता है वो 12 इंची 8 इंची लेना है, उसके ऊपर जो ढल की पट्टी लगेगी वो 14 इंची की लगेगी, जिसकी मोटाई 1 इंची और 1.5 इंच की होगी, 2 सूत का काबला चाहिएगा, इनका 2 इंच लंबा, 2 सूत मोटा और 4 बासरी की जरूरत पड़ेगी। साथियों, अगर आपको मेरी ढल पट्टी कटर की अच्छी लगी हो, मेरा ये जो तरीका अपनाया है इसमें मैंने इंची टेप का भी साइज बताया लिखा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आपका दोस्त मोहम्मद अय्यूब से फिर मैं मिलता रहूँगा आपसे नई नई वीडियो साथ। साथियों, मैं आपको नए नए पॉइंट बताऊंगा हर वीडियो में, कोई ना कोई, वैसे तो मेरी जो अपना चैनल है वुड फर्नीचर के नाम से है, मैं आपको उसमें फर्नीचर की वीडियो दिखाता रहूँगा, और मैं उसमें आपको जो फर्नीचर लाइन में जितने पॉइंट होंगे, यानी कि एक तरह टेक्नोलॉजी कह लीजिए, मैं आपको अपने यूट्यूब के द्वारा आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई पॉइंट बताना चाहते हैं, किस बारे में पूछना चाहते हैं, आप बेफिक्र और मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसको कमेंट के जरिए तुरंत जवाब दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।